और केवल शिक्षक पर ठीकरा फोड़ने से नहीं काम चलेगा, हर चीज के लिए सभी लोग केवल शिक्षक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, यह चलने वाली बात नहीं है। वेतन दीजिए, घोड़ा को आप पूरा खाना खिलाइए, चाबुक मार के काम दीजिए, कोई बोलने वाला नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी सर उपस्थित हैं। सर आपको स्वागत है। धन्यवाद। आज सर के साथ चर्चा करेंगे कि पुराने और नव नियुक्त शिक्षकों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। नव नियुक्त शिक्षकों को जब से नियोजन किया है उनका वेतन अभी तक नहीं मिला है, इसी पर चर्चा करेंगे। सर आप इसको लेकर क्या क्या पहल किए हैं? मैंने कई बार विभाग को अवगत कराया है और विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए हमने मांग की है कि जिन शिक्षकों का नियोजन 6ठे चरण में हुआ है उनका योगदान 23 फरवरी को करना था, तो इन लोगों के योगदान किए हुए 3 माह बीत गए हैं, 3 माह से ये काम कर रहे हैं। एक तो इनका जो नियोजन हुआ वह एक लंबे संघर्ष के बाद इन लोगों का नियोजन हुआ है। 2014-15 के बाद 2022 में सीधे नियोजन हुआ। इस नियोजन के पूर्व इन्होंने काफ़ी आपाधापी किए, पूरे बिहार में आवेदन सबमिट करने के लिए दौड़ते रहे, सभी नियोजन इकाइयों में अलग अलग बहुत परेशान होकर बहुत मेहनत मशक्कत से उन्होंने नौकरी पाई। और जब ये योगदान कर लिए तो उसके बाद में विभाग का कहना था कि प्रमाण पत्रों की जाँच होगी तब इनका वेतन भुगतान होगा। तो ये तो विभाग की जवाबदेही है, इंटरनल प्रक्रिया है विभाग की, और जो सेवा में आ गया तो उसके प्रमाण पत्र की जाँच तो चलती रहेगी। हमने विभाग से मांग किया है कि आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को अविलंब वेतन भुगतान करिए, क्योंकि बिना वेतन के किसी व्यक्ति का जीना कितना दुश्वार हो जाता है, कितना कठिन हो जाता है, आर्थिक तंगी क्या होती है वो वही जानता है जो बेरोजगारी का दंश झेला है। और इतना बेरोजगारी का दंश झेलने के बाद में, इतनी ठोकरें खाने के बाद में, इतना धूल फांकने के बाद में ये लोग बहाल हुए हैं, इन लोगों को अविलंब वेतन भुगतान करना चाहिए। हमने इसके लिए राज्य सरकार से मांग किया है, लिखित रूप में हमने ज्ञापन सौंपा है, और मैं फिर एक बार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं यह अनुरोध करता हूं कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए इस मुद्दे पर और सभी शिक्षकों को अविलंब इनके भुगतान के लिए, आप जो भी प्रक्रिया होनी है वो प्रक्रिया आप अपना चलाते रहिए, लेकिन इनका वेतन भुगतान अविलंब करिए, इसके लिए आवंटन जारी कीजिए और जितने लोगों ने योगदान किया उनके कार्यस्थगी का भुगतान करिए। सर पुराने शिक्षकों को 3-3 महीना 4-4 महीने पर वेतन मिलते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, आप क्या सरकार से मांगेंगे? राज्य की अजीब विडंबना है, हमेशा हम लोग इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। मैं सचिवालय गया था और यह आज तक की स्थिति यही बनी हुई है कि शिक्षकों को समय से वेतन नहीं मिलता है और बहुत जिले में फरवरी माह से वेतन बकाया है, 4-4 माह हो गया। अधिकांश जिले ऐसे हैं जहाँ पर मार्च से वेतन बंद है, नहीं मिला है, आवंटन नहीं दिया जाता है। कभी आवंटन का रोना रोया जाता है, कभी जांच का रोना रोया जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ किया जाता है। अभी जब हम लोगों ने पिछले दिनों काफ़ी पहल किया, जरा सोचिए विभाग कितनी उदासीनता बरतता है विभाग की। इसको आप देखिए कि 27 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने आवंटन के लिए वित्त विभाग को संचिका भेजी और 27 अप्रैल को जब संचिका गई, वह जब मैं 17 मई को जाकर के मिला उप सचिव आदरणीय अरशद फिरोज साहब से, तो उस दिन तक वह संचिका वित्त विभाग से लौट कर नहीं आई थी। इतने दिनों तक संचिका को लेकर वित्त विभाग बैठा हुआ था। जब मैंने बात किया है और उनके माध्यम से वहां के अधिकारियों को बात कराया गया है, तब जाकर के वह संचिका, जब हमने बात किया तो 17 को हम बात की और 20 तारीख को संचिका वित्त विभाग से आ गई। अब बताइए कि क्या हमारा काम रह गया है वित्त विभाग का दौरा करना, हमारा काम रह गया शिक्षा विभाग के अधिकारियों की परिक्रमा करना? ये वित्त विभाग में संचिका जाती है वो लेकर बैठ जाते हैं, शिक्षा विभाग में संचिका जाती है वो लेकर बैठ जाते हैं। अब जब शिक्षा विभाग में संचिका आ गई है तब यहाँ से स्वीकृत्यादेश नहीं जारी हुआ, अलॉटमेंट का एक हुआ कि हाँ वित्त विभाग से आ गया है, वह एक पत्र जारी हो गया, लेकिन उसका CFMS पर विपत्र कोड बार किस जिले को कितनी राशि दी गई है इसका एक पत्र CFMS पर शिक्षा विभाग का बजट सेक्शन लोड करता है, और जब तक वह CFMS पर उसको डिस्प्ले नहीं करेगा तब तक हमारा बिल जो है ट्रेजरी में जा ही नहीं सकता। अब बताइए 20 तारीख को जो अलॉटमेंट हुआ उसका स्वीकृति आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ, अभी इसमें बजट सेक्शन, फिर मैं कल जाकर के बजट सेक्शन के पदाधिकारियों से मैं मिला हूँ, बात किया हूँ, उप सचिव को मैंने ज्ञापन दिया है और मैंने अनुरोध किया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको देखवा लेते हैं और संभव है कि सोमवार या मंगलवार तक जो है वह स्वीकृति आदेश जारी हो। अब बताइए कि हमारा काम ये पढ़ाना है कि मेरा काम जाके सचिवालय में चक्कर लगाना है, सचिवालय में हम दौड़ते रहे, सचिवालय आने जाने में खर्च होता है, लोग परेशान होते हैं, समय का अपव्यय होता है, विभाग अपनी जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है।
और इसके कारण शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता समय से, और जब शिक्षकों को समय से वेतन नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। सबसे गंभीर बात यह है, मैं इस बात को उठाना चाहता हूँ और सरकार से मैं इस पर जवाब मांगना चाहता हूँ, और जितने राजनेता हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने मीडिया चैनल हैं, जो लोग शिक्षकों पर सवाल खड़ा करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी इस मुद्दे को उठाया है। हम वेतन, आप जो मुझे जो वेतन मिलता है, इस वेतन पर शिक्षकों ने लोन ले रखा है। 80% से ज़्यादा शिक्षक बैंकों से कर्ज ले रखे हैं, क्योंकि जिम्मेवारियाँ बढ़ी हैं, बहुत लोन के बाल बच्चे सयाने हो गए हैं, अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में राज्य के बाहर पढ़ते हैं, उनको पैसा देना है, बेटा बेटी की शादी करनी है, घर मकान है, माता पिता है, सबकी जवाबदेही है, तो उन्होंने कर्ज लिया है। अब जो कर्ज इन्होंने लिया है तो हर महीने एक निर्धारित तिथि को बैंक इनके खाते से वह मासिक किस्त जो है, उस लोन का जो किस्त है, वह किस्त जो है वह चुकाता है, काटता है। अब चुकता करेगा जब वह, तो हमारे अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, सफिशियंट बैलेंस नहीं है, चूंकि आप सैलरी नहीं दे रहे हैं मुझे, हम तो लोन लिए हैं अपने सैलरी पर, सैलरी तो मुझे समय से आपने दिया नहीं। अब क्या है कि हमारा जो है क्रेडिट स्कोर खराब हो गया बैंक में हमारा साख खराब हुआ ना, गलती हमारी थी या गलती विभाग की थी। अब विभाग की गलती के कारण आपने वेतन नहीं दिया, क्रेडिट खराब हमारा हुआ, आखिर इसका इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, इसका हर्जाना कौन भरेगा। हमारे शिक्षकों का आप क्रेडिट खराब कर रहे हैं, और भविष्य में इन शिक्षकों को फिर बैंक लोन नहीं देगा, और इसके लिए पूरा विभाग जिम्मेवार है। समय से वेतन हर हाल में मिलना चाहिए, और जो भी पदाधिकारी इसमें डीले करते हैं उन लोगों पर इसका जुर्माना लगना चाहिए, और विथ इंटरेस्ट जो है, अगर डीले होता है, इन द केस ऑफ डीले सैलरी शुड बी पेड विथ इंटरेस्ट एट द फ्लैट रेट। ये आप करिए, नियम बनाइए कि जो भी पदाधिकारी जिम्मेवार हों उन पर कार्रवाई करिए, तब जा करके व्यवस्था सुधरेगी। केवल और केवल शिक्षक पर ठिकरा फोड़ने से नहीं काम चलेगा, हर चीज़ के लिए सभी लोग केवल शिक्षक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, यह चलने वाली बात नहीं है। वेतन दीजिए, घोड़ा को आप पूरा खाना खिलाइए, चाबुक मार के काम लीजिए, कोई बोलने वाला नहीं होगा। आप खाना नहीं दीजिएगा और काम लीजिएगा पूरा, से ऐसा थोड़ी चलता है।